इस चावल के दाने पर आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, मतलब मिनी लव लेटर। ये बहुत ज्यादा क्यूट गिफ्ट हो सकता है और इसे लिखना भी इजी है, जिसे आप की चेन में, बैग की चेन में और लॉकेट बनाकर भी गिफ्ट दे सकते हो। तो जाओ फटाफट से अपने किचन में जाकर इन सामान को इकट्ठा कर लो। सबसे पहले कोई भी चावल मतलब राइस लंबा होगा तो ज्यादा अच्छा है, चना दाल या फिर गेहूं भी चलेगा। अब इसमें लिखने के लिए हमें कुछ फाइन टिप्ड पेन चाहिए होगी, जो कि जेल पेन भी हो सकती है और बॉल पेन भी, और एक कॉपी भी। इतनी चीजें तो आपको घर पर ही मिल जाएगी, तो फटाफट से इन चीजों को इकट्ठा कर लो। सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें लिखना क्या है। जैसे हम मॉम डैड को लिखने का ट्राई करते हैं, जो कि सिंपल है और लिखने में भी इजी होगा, और चाहे तो हार्ट शेप भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह ट्राई करना होगा कि हम जितना हो सके उतना बारीक और छोटा लिखने की कोशिश करें, वो भी कॉपी पर। हाँ यार, और इस चीज को मैं फर्स्ट ट्राई में ही काफी बारीकी से लिख पा रहा हूं। देखो यार, पेपर के ऊपर तो कोई भी लिख सकता है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसमें हम दाल के ऊपर लिखने वाले हैं। दाल के ऊपर लिखने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से दाल के दाने को कुछ इस तरीके से होल्ड करना होगा। तो इसमें सबसे पहले मैंने मॉम लिखकर देखा। भाई, दाल के ऊपर लिखना पेपर से कई ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दाल के ऊपर पेन अच्छे से काम ही नहीं कर रही थी, इसलिए वो वर्ड लिखा ही नहीं पा रहा था। मैं फिर से लिखने का ट्राई किया दूसरी पेन से। मैं इस वाली पेन से लिखने का जा रहा हूँ, जो कि आई होप इससे तो लिखाना ही चाहिए। भाई हाँ यार, ये वाली पेन तो एक्चुअली में इससे काम कर रही है। अब मैं इसी दाल के दाने पर डैड लिखने जा रहा हूँ। भाई ये तो पहली ही ट्राई में काफी अच्छे से काम कर रहा है यार। अब मैं मॉम और डैड को एक ही दाने पर लिखने का ट्राई करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, बट करूंगा जरूर। भाई मैंने दोनों को एक साथ कैसे ना कैसे करके टूटे फूटे वर्ड्स में फर्स्ट ट्राई में लिख ही लिया। और भाई मैंने इन दोनों के बीच में हार्ट को भी लिखने का ट्राई किया, और ये भी सच में लिखा गया। और अब मैं चार पांच लेटर्स वाले नाम को लिख कर देखने वाला हूँ। और मुझे नाम लिखते वक्त ये चीज पता चली कि हमें सभी लेटर्स को इक्वली लिखने की कोशिश करना होगा, नहीं तो कुछ लेटर्स के लिए स्पेस ही नहीं बच पाता। अब मैं पांच लेटर्स वाले नाम को लिखने जा रहा हूँ। इन चार पांच लेटर्स के नामों को भी काफी अच्छे तरीके से लिख लिया है। और अब भाई फाइनल लेवल की बारी आती है, जो कि हम चावल के दाने पर नाम लिखने वाले हैं। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि चावल का दाना काफी ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया भी बहुत कम होगा, तो लिखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब सबसे पहली बात है कि हमें इसे पकड़ना किस तरीके से है। हम इस तरीके से तो नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये फिसल जाएगा। इसके बजाय हमें चावल को कुछ इस तरीके से दोनों फिंगर्स के नेल के बीच में फंसाते हुए होल्ड करना होगा। दाल पर लिखना तो वैसे ही काफी मुश्किल था, बट भाई चावल के दाने पर लिखना तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है यार। अब ये बहुत ज्यादा स्लिपरी है, इसी वजह से इसमें प्रॉपरली पेन का प्रिंट भी नहीं आता। बट मैं इसे कपड़े की मदद से क्लीन करने के बाद फिर से इसे लिखना ट्राई किया। और हाँ यार, मुझे इस वाले नाम को लिखने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। बस आपको ध्यान देना होगा कि आप चावल के अनइवन सरफेस पर ना लिखे, इसे प्रॉपरली क्लीन करते हुए इवन सरफेस पर लिखने की कोशिश करना होगा। और अब मैं आरव नाम को लिखने का ट्राई करता हूँ। इसके बाद मैंने संजय नाम भी लिखा। और अब मैं सिक्स लेटर वाले नाम को लिखने का ट्राई करने वाला हूं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल बट सिंपल भी होने वाला है। वही मॉम डैड को एक साथ लिखकर देखते हैं। सिक्स लेटर वाले नाम को मैंने लिख लिया है। अब मैं सेवन लेटर्स वाले नाम को लिखने का ट्राई कर रहा हूं। आदर्श नाम तो लिख लिया, अब मैं शुभम नाम को लिखकर देखता हूं। भाई मैंने कितना ही ट्राई किया, लेकिन आठ अक्षर वाला नाम तो मुझसे लिखा ही नहीं रहा है। बट ले देकर ये भी लिख लिया। तो भाई हमने इस चावल के दाने पर नाम लिखना तो सीख लिया है। अब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम इस चावल के दाने को गिफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसकी कीचेन बना सकते हैं, कीरिंग बना सकते हैं और लॉकेट भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ इस तरीके का ट्यूब चाहिए होगा, छोटा बड़ा मोटा पतला किसी भी तरीके का हो सकता है। और इसमें हम फिर किसी भी तरीके की ऑयल को डाल सकते हैं, जो कि क्लियर होना चाहिए कलर में। इसमें तेल डालने के बाद नाम काफी ज्यादा बड़ा और उभर के दिख रहा है, और इस ट्यूब को हमें फिर किसी भी चीज से लॉक कर देना होगा। अब लॉक करने के बाद सील भी कर लिया है, वैसे ही फिर कैप को भी फिक्स कर देंगे। अब कुछ ऐसा दिख रहा है, तो किचन फंसा देते हैं इसमें, और फिर हम इसे अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं।
इस तरीके की नई चीज के लिए लाइक तो कर ही सकते हो यार। अच्छा, और कमेंट करके स्किल्स का नाम बताओ जिसे मैं सीख सकता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियोस में। और सब्सक्राइब। ओके बाय।